सनसनी ऑफ इंडिया। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने बदरपुर व पुल प्रहलादपुर इलाके में ताबातोड़ छापेमारी कर फोन स्नैचिंग के एक ऐसे अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो पिछले एक साल में लगभग 2000 से अधिक लूटे, छिने व चोरी किए फोन पहले ही बेच चुका है। फोन को मेवात इलाके में साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपियों की पहचान गैंग का सरगना विश्वकर्मा कॉलोनी पुल प्रहलादपुर निवासी 26 वर्षीय संदीप ठाकुर उर्फ बर्फी, मेन मार्केट बदरपुर निवासी 22 वर्षीय जैकी व मेन मार्केट बदरपुर निवासी 28 वर्षीय राजकुमार उर्फ बाबू के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 115 मोबाइल व 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। प्रियंका कश्यप डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ इलाके स्ट्रीट क्राइम को लेकर काफी सेंसिटिव है। इन इलाकों में स्नैचर मासूम लोगों के मोबाइल फोन को टारगेट कर रहे थे। स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पंकज अरोड़ा एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में एएसआई प्रमोद महेश ऋषि, एएसआई शैलेश कुमार, नीरज अमरपाल, हेड कांस्टेबल कपिल और कांस्टेबल रवि की टीम ने सादी वर्दी में इलाके पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम ने कई स्नैचरों को दबोचा। गिरफ्तार स्नैचरों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो स्नैचिंग, लूट व चोरी किए मोबाइल फोन को हरियाणा के मेवात इलाके में भेज देते हैं। टीम ने स्नैचरों से बरामद मोबाइल फोन को ग्रे लिस्ट में डाल दिया ताकि यह जांचा जा सके कि इनमें से कोई फोन सक्रिय है या नहीं। जांच में पता चला कि हरियाणा के मेवात क्षेत्र में कई छीने, लूट व चोरी के फोन सक्रिय थे। टीम ने चोरी के मोबाइल मेवात में जिन इलाकों में एक्टिव थे उन इलाकों को जीरो पॉइंट किया। मेवात, हरियाणा व राजस्थान में चोरी के मोबाइल खरीदने वालों की पहचान करने के लिए इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को मेवाती ड्रेस में सस्पेक्ट इलाकों में भेज दिया। टीम के सदस्य मेवाती ड्रेस में मेवात के इलाकों में घूम घूम कर सस्पेक्ट लोगों की पहचान करने में लगे हुए थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम को पता चला कि मेवात इलाके में आरिफ उर्फ बबलू चोरी के मोबाइल फोन खरीदता है। टीम ने आरिफ उर्फ बबलू पर नजर रखनी शुरू कर दी। टेक्निकल सर्विलांस से टीम को पता चला कि आरिफ उर्फ बबलू बदरपुर दिल्ली के कुछ लोगों के संपर्क में है। टीम ने आरिफ उर्फ बबलू के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर आने और जाने वाली सभी कॉल को चुपके से सुनना शुरू कर दिया। मोबाइल सर्विलांस से टीम को पता चला कि बदरपुर मैन मार्केट में रहने वाले कुछ लोग मेवात के आरिफ उर्फ बबलू को चोरी के मोबाइल बेचने वाले हैं। टीम ने मेवात इलाके में चोरी के मोबाइल बेचने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि यह लोग बदरपुर मैन मार्केट में किराए पर रहते हैं। टीम ने बदरपुर मैन मार्केट में मुखबिरों को सक्रिय किया और साथ ही टेक्निकल सर्विलांस से सस्पेक्ट लोगों की मूवमेंट व एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। मुखबिरों से टीम को पता चला कि बदरपुर के सस्पेक्ट लड़के दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को मेवात में आरिफ उर्फ बबलू को चोरी के मोबाइल बेचने जाएंगे। इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होते ही इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में टीम ने बदरपुर मैन मार्केट में छापा मारकर दो सस्पेक्टों को दबोच लिया। दोनों सस्पेक्टों की पहचान 22 वर्षीय जैकी व 28 वर्षीय राजकुमार उर्फ बाबू के रूप में हुई। मौके से आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल से भरा एक बैग मिला। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर गैंग के सरगना विश्वकर्मा कॉलोनी पुल प्रहलादपुर निवासी 26 वर्षीय संदीप ठाकुर उर्फ बर्फी को भी दबोच लिया। आरोपियों के पास से चोरी के 115 मोबाइल व 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। पूछताछ करने पर आरोपी राजकुमार उर्फ बाबू और जैकी ने खुलासा किया कि वे गैंग के सरगना संदीप ठाकुर उर्फ बर्फी व दो अन्य सहयोगियों कल्लू और विशाल के साथ दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय मोबाइल चोरों से चोरी के मोबाइल खरीदते थे। आरोपियों ने आगे बताया कि वो मोबाइल चोरों से मेक और मॉडल के आधार पर 2 से 3 हजार रुपए में मोबाइल खरीदते थे और मेवात जाकर आरिफ उर्फ बबलू को भी मेक और मॉडल के आधार पर 8 से 10 हजार रुपए में बेच देते थे। आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वे पिछले एक साल के दौरान 2000 से अधिक छीने, लूट व चोरी के मोबाइल फोन पहले ही बेच चुके हैं। जांच में टीम को पता चला कि इन फोन का इस्तेमाल मेवात इलाकों के साइबर ठगों में किया जा रहा था। गिरफ्तार पहला आरोपी गैंग का सरगना 26 वर्षीय संदीप ठाकुर उर्फ बर्फी पुत्र राम अवतार मकान नंबर A49/50 मानसरोवर अपार्टमेंट विश्वकर्मा कॉलोनी पुल प्रहलादपुर का रहने वाला है। आरोपी DU से स्नातक है। यह मूल रूप से आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली में यह विश्वकर्मा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है। यह पिछले 7-8 साल से इस अपराध में शामिल है। दूसरा आरोपी 22 वर्षीय जैकी पुत्र राम सिंह मकान नंबर A222 मैन मार्केट बदरपुर में किराए के मकान में रहता है। यह अनपढ़ है और ऑटो चालक है। तीसरा आरोपी 28 वर्षीय राजकुमार उर्फ बाबू पुत्र कोमल भी मकान नंबर 196 मैन मार्केट बदरपुर में किराए के मकान में रहता है।
यह एक विज्ञापन बोर्ड लगाने वाली कंपनी में मजदूर का काम करता है। बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।